Namaste, like uh, i'm a south indian can i sp uh, speak in english Hanji Hanji, you can speak in english i think yeah, you, most you, of the people you. do understand <laughs> Thank you. Going to talk. so you can answer in uh, hindi like i, I don't yeah. I, I can understand it but i can't speak so like you can you can so uh, i um, like you know i am what you would call a bigoted person um, anti-muslim bigot you can call me that i'm I mean like you know'm not a bigot exactly I have a lot of concerns though um, like when I look at uh, the state of West Bengal right uh, the change in demography for me is a very genuine concern because that was a state that got partitioned on the basis of religion and you know West Bengal has the population of egypt like same country i mean like you know it's a huge state like population wise and from 1950s till now the population percentage of muslims has accelerated like mm -hmm. i think it was 15% or 14% in 1950s and now it's in 2011 it was nearly 30% and now i'm sure it's much much more and a lot of uh, lawlessness and like you know when uh, riots and all those things so how um, like you know my question is how do you think secular governments should um, respond to a religion or an ideology that is fundamentally not secular and whose followers are also actively not secular they can be the the best course of action will be to put up this thing for questioning for criticism for for inquiry for you should India should इनकरेज दोज पीपल हु आर एनालाइजिंग इस्लाम और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म विद फंडामेंटलिज्मिकल व्यू पॉइंट और विद अ क्रिटिकल आई बेसिकली जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा मैं क्यों होपफुल हूँ मैं पाकिस्तान में देखें एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज हैपनिंग रॉन्ग राइट नाउ दे आर चेंजिंग द सिलेबस दे आर चेंजिंग सो मैनी अदर थिंग आर टेकिंग एन इवन मोर हार्ड कोर एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड टूवर्ड्स सो मैनी इशूज लाइक कुछ दिन पहले क्या हुआ दे मेड इट कंपल्सरी के हर आदमी जो भी हुईंग टू कोर्ट मुहम्मद और इवन सेम समर देव टू से पीस भी अपॉन हिम एंड ही इज ऑल्सो द लास्ट प्रॉफिट पहले यह था कि यू ओनली पीस भी अपॉन हिम एंड नाउ यू ऑल्सो इंक्लूड दैट ही इज द लास्ट प्रॉफिट खातिमीन So this kind of things, these kind of things are happening in Pakistan right now. But the issue is they are not going to retract at once. Ye struggle hai. It's going to start. It's going to have the fights, the battles, the uh, arguments. Everything is going to be there. People are even going to lose their lives for this. But the issue is if you Hindu to Muslim, देन थिंग आर गोइंग टू गेट इवन मोर वर्स्ट मुसलमान और रिजिड होगा इसका एक ही इलाज है कि आपको इस्लाम को क्रिटिसाइज करना है लोगों को रैशनलिज्म सिखाना है और याद रखें इसमें नुकसान हिंदुआजम का भी होगा जब आप मुसलमान को रैशनल करने की कोशिश करेंगे तो हिंदू भी जब रैशनल होगा वो भी हिंदुज्म को छोड़ेगा तो ये चीज जो है लोग ये समझते हैं कि हिंदुआजम बच जाए इस्लाम खत्म हो जाए क्रिस्टानिटी बच जाए इस्लाम खत्म हो जाए नहीं ये नहीं होगा इट इज़ गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरी वन क्योंकि जब रैशनल लोग होंगे तो वो हर मज़हब को छोड़ेंगे फिर कोई कोई आर एस एस कोई कुछ भी नहीं कोई हिंदुत्व कोई मुसलमान कोई इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कोई मुस्लिम ब्रदरहुड कोई अलकायदा तालिबान कुछ नहीं बचेगा इंसान फिर सिर्फ इंसान बनेगा क्योंकि अगर आप मुसलमानों को इंसान बनाना चाहते हैं तो साथ आपको खुद भी बनना पड़ेगा ये नहीं होगा कि आप तो जो है वो कट्टर हिंदू बन जाए और मुसलमान जो है वो सेकुलर बन जाए ऐसे नहीं होगा आप भी सेकुलर बनेंगे और वो भी सेकुलर बनेंगे फिर इस चीज़ का इलाज होगा दिस इज़ एन आइडियोलॉजिकल वॉर और अगर आप ये समझते हैं कि कोई कानून में बदल दें वन चाइल्ड पॉलिसी ले चीज़ें बदल जाएंगी नहीं ऐसा नहीं होगा इंडिया इज नॉट चाइना इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला इंडिया में चीज़ें रैशनलिज्म से चलेंगी तो चलेंगी और इंटरनेशनल भी रैशनलिज्म से चलेंगी बहुत दफ़ा ये बात होती है हाँ जी लेफ्ट जो है वो इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है ठीक है लेफ्ट सौ बार करे इस्लाम को सपोर्ट मैं तो नहीं कर रहा ना मैं तो इस्लाम को नंगा कर रहा हूं ना ठीक है मेरे जैसे लोग बढ़ने चाहिए लेफ्ट जो भी करता है करता रहे राइट जो भी करता है करता रहे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्या मैं अपना काम कर रहा हूं जब मेरे जैसे लोग ज्यादा होंगे तो लेफ्ट को भी मेरा नेगेटिव मानना पड़ेगा ठीक है मसला यह है कि आज मेरे जैसे लोग बहुत कम है <laughs> तो जो भी लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं यू नीड टू सपोर्ट दोज पीपल क्योंकि हम जैसे लोग जब ज्यादा होंगे तो ओनली देन यू विल बी एबल टू काउंटर इस्लाम वी आर एट द फोर फ्रंट राइट नाउ हम खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर हम खड़े हैं हम लड़ रहे हैं ये यकीन करें कि अगर हम नहीं होंगे मुझे आए मैं इस जिम्मेदारी के बर्डन को महसूस करता हूं कि अगर मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो ये तो दुनिया को धोखा देता ही रहेगा प्रॉब्लम यह है ठीक है जैसे अब मैं पहले भी एक कॉलर से बात कर रहा था कि हिंदू की वजह से सॉरी मुसलमान की वजह से हिंदू कट्टर हो रहा है एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट मगर मसला यह है कि हिंदू को कट्टरता से रोकने के लिए आप ये ना समझें कि आप कोई जो है ना वहां पे कोई बड़े दस मंदिर और बना देंगे पुजारी बिठा देंगे आप हिंदुओं को हिंदुइजम बड़े जोरों शोर से पढ़ा पढ़ाना शुरू करेंगे तो मुसलमान जो आप नीचे आएगा नहीं जब आपकी तरफ से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन रिएक्शन उधर से और बढ़ेगा फिर उधर से और बढ़ेगा तो इलाज कौन है इलाज हम है लाज हम जैसे लोग हैं जो कि इस्लाम को फिर पकड़ते हैं फिर उसको बताते हैं कि ये गलत कहाँ है और मैं आपको किसी रिलीजन की प्रीचिंग नहीं करता मैं आपको सेकुलरिज्म ह्यूमनिज्म की बात करता हूँ और अगर उसमें भी आपको मेरी बात कहीं गलत लगती है तो यू कैन डिसग्री मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मानो मैं ये कहता हूँ जो मैं ठीक कहता हूँ वो मानो मेरा किसी मजहब वाला दावा नहीं है या मुझ जैसे लोगों का मजहब वाला दावा नहीं है हमारा हमारा प्रॉब्लम क्या है हमारा केस क्या है हमारा केस ये है कि आप सिर्फ इंसान बने जब आप इंसान बनेंगे तो तभी आप मुस्लिम को भी कट्टरता उसकी भी कम कर सकते हैं वरना नहीं आप कर सकते अगर आप मजीद, आप एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बन जाएंगे तो वो मजीद एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान बन जाएगा ये पोल्स है ना दो न्यूट्रल कौन है बीच में ठीक है न्यूट्रल कौन है न्यूट्रल तो हम हैं सिर्फ एथियस्ट हम न्यूट्रल हैं क्योंकि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मुसलमान के रिएक्शन में हिंदू बन जाए हिंदू के रिएक्शन में मुसलमान बन जाए मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ इंसान बन जाए बस तो इलाज जो है ये इस बीमारी का इलाज हम आज आपको बहुत थोड़े नजर आ रहे हैं मगर जब तक हम जैसे लोग सामने नहीं आएंगे और ये याद रखें कि ये अगले पांच साल में दस साल में पंद्रह साल में बीस साल में कुछ नहीं होने वाला शायद आपको शायद सदियों तक हम जैसे लोगों की जरूरत हो ठीक है जब सदियों तक हम जैसे लोग बोलेंगे तो तब भी दुनिया एक पीसफुल जगह बन सकती है और अगर आज हमारी आवाज़ों को दबा दिया गया हम आज गुम हो गए कहीं बस फिर फिर आप लोग अपने उस उसी सर्कल में विश सर्कल के अंदर चलते रहे कि इधर से मुसलमान कट्टर हो जाएगा उधर से उसके रिएक्शन में हिंदू होगा जब हिंदू ज्यादा होगा तो फिर मुसलमान और हो जाएगा लड़ाई चलती रहेगी लोग मरते रहेंगे ठीक है थीक? मरेंगे हम भी मुझे भी अपनी जिंदगी का एतबार नहीं है मुझे भी किसी दिन कोई मुजाहिद मार सकता है मगर एटलीस्ट मैं कभी अपनी अपनी लाश पे किसी हिंदू को सियासत करने या किसी क्रिश्चियन को सियासत करने नहीं दूंगा ठीक है मैं क्या कहूंगा कि हाँ अगर मुझे किसी ने मार भी दिया है जो मैं बातें करता हूँ उनकी वजह से तो आप मेरे पीछे लड़ने ना पहुंच जाए बल्कि आप मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट करें ठीक है तो वो सपोर्ट कैसे है कि हम जब हम बोलेंगे हम बोलते जाएंगे हम करते जाएंगे ये बातें ज्यादा से ज्यादा तो एक दिन आएगा कि देखें आज बहुत से आपको हर मुसलमानों के स्कॉलर्स आपको कितने मिलते हैं हिंदू जोगी बाबा कितने मिलते हैं आपको एथियस्ट पाकिस्तानी एथियस्ट तो अब आपको पहली दफ़ा नजर आएंगे ना और हम अभी छोटे लोग हैं हमारी आवाज़ अभी उधर पहुंची नहीं है हमें लोग जानते ही नहीं है जब जानेंगे तो देन वी विल स्टार्ट टू मेक सम इफेक्ट फिर कोई रिपल डाउन इफेक्ट होगा फिर लोग बदलने शुरू होंगे और बदल रहे हैं लोग ऐसा नहीं है मैं ये चेंज देख रहा हूं हूँ हार ये चेंज और आएगी ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन चें एज के अंदर ये नहीं हो सकता कि मुसलमान ये कहे नहीं मैं अपने कानों में उंगलियां दे ली बस मैं आपकी बात नहीं सुन रहा उसको सुननी पड़ेगी वरना वो दुनिया से पीछे रह जाएगा और दुनिया से पीछे रह जाएगा तो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा ठीक है आज देखें ये फर्ज करें आज कोविड आया कल को कोई इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी आ जाए और फिर भी लोग कह रहे हो हमने वैक्सीन नहीं लगवानी या हमने जो है वो मास्क नहीं पहनना तो वो वो लोग फिर मर ही जाएंगे ना आखिरकार ठीक है ये बात है सारी Yeah, I mean, actually, I don't mind stupidity in Hinduism getting extinct as well. I mean, like, there's a lot of uh, Very bad. Uh, uh, crap in that. But, like, uh, I mean, it just like, you know, the aggression and violence in this particular religion is what bothers me a bit. Like, you know, once the community gets beyond a certain size in population, uh, things cha start changing rapidly. Like in mm -hmm. any any country, like whether in Europe or, or UK or even in India or anywhere, like you know, it's almost like very very few exceptions are there where uh, other religions are allowed to thrive uh, in a majority Muslim country. So, I agree. They don't let other religions. They don't let even other people practice their own religion in, in, in where they have majority. Like. It, right now even we are having this problem of they are not letting uh, the hindus build a government allowed temple in islamabad so like how wrong can the muslims living in pakistan be like how do you need more evidence that they are going on a wrong path कि वो किसी को उसका रिलीजन पीसफुली प्रैक्टिस करने की इजाजत भी नहीं दे रहे वो वहां पे कोई मिलिट्री स्कूल थोड़ी बना रहे हैं वो वहां पे कोई पर हिंदुत्वा का मदरसा थोड़ी बना रहे हैं वो तो अपने लिए एक पूजा के लिए जगह उनको चाहिए एंड दे आर नॉट इवन लेटिंग बिल्ड अ स्मॉल प्लेस वो कोई वो कोई वहां पर कोई दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल थोड़ी बना रहे हैं वो तो एक छोटी सी जगह मांग रहे हैं मगर ये उनको नहीं दे रहे तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने मुल्कों में तो प्रीचिंग की भी इजाजत नहीं देते और इंडिया में जाकिर नाइक जो है वो टीवी पे बैठ के ही ही ब्लास्ट अगेंस्ट एवरी रिलीजन एंड नो वन इवन लिफ्ट्स अ फिंगर अपॉन हिम ना पीसफुली रहता रहा इंडिया के अंदर जितना ऐसा रहा ठीक है और वो इतना मतलब इतना मुनाफिक आदमी है कि वो आज भी जो है वो जो है वो पाकिस्तान में बनने वाले मंदिर की मुखालफत कर रहा है तो मसला यह है कि वाकई आई हंड्रेड परसेंट एग्री विद यू कि इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है मगर प्रॉब्लम यह है कि इनकी वजह से दूसरे लोग भी एक्सट्रीम ना हो जाएं। इट अ रियल प्रॉब्लम। तो तो वही है कि जब yeah, तक think, इनका uh, मुंह नहीं तोड़ा जाएगा इनकी आइडियोलॉजी की गलती नहीं दिखाई जाएगी तब तक कभी भी ये टूट नहीं सकती आइडियोलॉजी इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देर मोर पीपुलूली हम बोलेंगे जितना हम बोलेंगे उतना ज्यादा काम होगा ठीक है चलें जी ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें और मुझे पेट्री पर सपोर्ट करें पेट्री पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी